अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 9 आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 8 तक मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हम प्रॉपर एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिखेंगे और ब्लॉगर की साइट के ऊपर पोस्ट करेंगे। इसके अलावा मैं ब्लॉगर की आपको बेसिक सेटिंग्स भी बताऊंगी। पार्ट 8 के अंदर हमने कुछ सेटिंग्स की थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ सेटिंग्स भी करेंगे ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर, थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे, कुछ थीम्स भी एड करेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से लिखोगे। लिखने के बाद उस आर्टिकल को ब्लॉगर की साइट ऊपर आप पोस्ट करोगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसके अलावा अपनी YouTube वीडियोस के लिंक, अगर आपके YouTube चैनल है और आप उसका लिंक ऐड करना चाहते हो अपने अकाउंट के अंदर, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी अपनी YouTube वीडियो का लिंक आप किस तरह अपने आर्टिकल के अंदर पेस्ट करोगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहले तो हम पेजेस और थीम ऐड करेंगे, उसके बाद हम एक आर्टिकल लिखेंगे। तो मैं गूगल पर सर्च कर देती हूँ blogger.com। ये देखेंगे मेरे पास ब्लॉगर का अकाउंट ओपन हो गया जो हमने पार्ट 8 के अंदर क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगी, टॉप के ऊपर 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पहले पेज पे क्लिक करूंगी। पेज पे क्लिक करने के बाद देखिए आपने डिफरेंट वेबसाइट ओपन की होंगी, वहाँ पे अबाउट अस का ऑप्शन होता है, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होता है। तो इस तरह से हम अबाउट अस के अंदर लिख देते हैं हमारी वेबसाइट का पर्पस क्या है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर भी देखिए मैंने कीवर्ड सेट किए हैं ऑनलाइन अर्निंग जैसे लिख दिया। इसके अलावा अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। और आपको पता कैसे चलेगा ये कीवर्ड्स हैं, आपने पहले रिसर्च करनी होगी जो मैंने पार्ट 6 के अंदर आपको बताया था। आप कीवर्ड कैसे फाइंड करोगे अपने आर्टिकल से रिलेटेड, अपनी नीश से रिलेटेड। तो अबाउट अस लिख के हमने यहाँ पब्लिश कर दिया। देखें इस तरह से अपीयर हो रहा है, इस तरह से अपीयर हो रहा है। अब मैं कॉन्टेक्ट अस का भी यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर देती हूँ। कॉन्टेक्ट अस लिख दिया, यहाँ पे मैं लिंक्स एड कर देती हूँ अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, और ऊपर पब्लिश पे क्लिक कर दूंगी। तो देखें मेरे पास 2 पेजेस क्रिएट हो गए हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम ऐड करते हैं थीम्स। तो 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ थीम पे मैं क्लिक कर दूंगी। अब देखिए नीचे डिफरेंट थीम्स हैं, इनमें से किसी भी एक थीम के ऊपर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप उस पे एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख भी सकते हो आपकी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। तो इस तरह से हमने थीम भी अपने पास ऐड कर दिया, कोई भी थीम ऐड कर दिया हमने। अब हमने लिखना है अपने पास प्रॉपर एक आर्टिकल। तो आर्टिकल के लिए पहले मैं न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे कहते हैं अपना आर्टिकल लिखो। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इसके अलावा आप आर्टिकल किस तरह से लिखोगे तो ये मैंने पार्ट 5 या 6 के अंदर आपको बताया हुआ है आप आर्टिकल लिखोगे किस तरह से। ये मैंने एक आर्टिकल क्रिएट किया है, लेट्स पॉज, कोई भी एक आर्टिकल है। अब मैं बताती हूँ आपको इसके अंदर मैं किस तरह से कीवर्ड्स मैंने लगाए हैं और किस तरह से मैंने लिंक ऐड किए हैं। तो देखें ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इन दिस आर्टिकल मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अर्निंग करोगे, ये सारा मैंने प्रोसेस लिखा है। इसके अलावा ऊपर टाइटल के अंदर भी लिखा है हाउ आई अर्न मनी ऑनलाइन। तो ये जो पूरे का पूरा मेरे पास एक आर्टिकल क्रिएट हो गया है, इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट कीवर्ड्स यूज किए हैं अपनी नीच से रिलेटेड। मैंने डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर गई हूँ जो मैंने आपको बताई हुई है आर्टिकल से रिलेटेड। उन वेबसाइट के ऊपर जाके जैसे यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, कीवर्ड प्लानर हो गया, स्मॉल एसईओ टूल हो गया, आंसर द पब्लिक हो गया, इन सारी साइट के ऊपर जाके मैंने अपने नीच को सर्च किया है मेक मनी ऑनलाइन। सर्च करने के बाद मुझे हाई वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स मिले हैं उन्हें मैंने अपने पास नोट कर दिया था। नोट करने के बाद वही डिफरेंट साइट है जहाँ से आप लेते हो आर्टिकल्स, जैसे nota.io, इसके अलावा स्पिनबोर्ड। तो आर्टिकल लेने के बाद अब आपने टॉप की जो लाइन्स हैं उसके अंदर अपने कीवर्ड सेट करने हैं। देखिए मैंने अपनी फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स, मैंने अर्न लिखा है, ये एक कीवर्ड है। नीचे जो मैंने मनी ऑनलाइन लिखा है ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो मैंने पहले पैराग्राफ के अंदर 3 कीवर्ड सेट कर दिए, फिर उसके बाद मैंने नीचे भी काफी सारे कीवर्ड सेट किए हैं। अपना सारा प्रोसेस मैंने इस आर्टिकल के अंदर बताया है कि मैंने किस तरह से अर्निंग की है। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर जस्ट हमने देखना है कि हम आर्टिकल किस तरह से पेस्ट करेंगे, कीवर्ड्स किस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं अब क्या कर देती हूँ, लिंक्स भी ऐड करूंगी मैं यहाँ पे। मैं सिंपली यहाँ टॉप पर लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगी, जहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट करना है वहाँ पे पहले मैंने अपना कर्सर रख देना है। इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने लिंक ऐड करना है। तो देखें कहते हैं डिस्प्ले कौन सा हो, इसके अलावा URL कौन सा हो। तो यहाँ नीचे आपने URL उस वीडियो को पेस्ट करना है जो आप यहाँ पे लिंक ऐड करना चाहते हो, और ऊपर आपने लिख देना है क्लिक हियर या उस वीडियो का नाम। तो जब आप अप्लाई कर दोगे तो देखो इस तरह से लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर, क्योंकि मैंने क्लिक हियर लिखा था और नीचे लिंक ऐड किया था। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो देखें न्यू टैब के अंदर वो ओपन होता है। देखिए अब जब मैंने लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो कहते हैं कि आप इस लिंक के थ्रू जाना चाहते हो YouTube के ऊपर या दोबारा से अपनी वेबसाइट के अंदर आना चाहते हो। तो मैं यहाँ YouTube पर ही क्लिक कर दूंगी। तो ये देखिए मैं YouTube के ऊपर आ गई हूँ, मेरी वीडियो प्ले हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो के अंदर लिंक सेट करोगे।
एक या दो जगह आप लिंक ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट अपने आर्टिकल के अंदर आप दोबारा से आ जाओगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करोगे और अपनी आर्टिकल के अंदर अगर 300 to 400 वर्ड्स का आपका आर्टिकल है तो कोशिश करो 10 to 15 की वर्ड्स आप मस्ट भी ऐड करो उसके अंदर। इसके अलावा आपने टाइटल के अंदर भी कीवर्ड ऐड करना है, करने के बाद पब्लिश पे आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो इस तरह से आपका आर्टिकल ये अपीयर हो जाएगा। मैंने ये वाला थीम सिलेक्ट किया था इस वजह से मुझे ये इस तरह से अपीयर हो रहा है। अब देखें एंड के अंदर हम लिखा है ऐड अ कमेंट, साथ में शेयर का ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बताएंगे आपने लिंक इसका शेयर करना है या फेसबुक के ऊपर शेयर करना है। तो आप अगर इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर दोगे, कॉपी करने के बाद न्यू टैब के अंदर अगर आप इसे आगे सर्च करोगे तो ये देखो मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद मैंने पेस्ट किया तो ये इस तरह से मेरा आर्टिकल अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा हम पेजेस कैसे ऐड करेंगे, थीम्स कैसे ऐड करेंगे और अपना आर्टिकल जो हमने लिखा है उसके अंदर कीवर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने ये नहीं देखा हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था आप कैसे आर्टिकल लिखोगे। आपने वीडियो के टाइटल के अंदर भी कीवर्ड्स ऐड करने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स होंगे तो एकदम वो अट्रैक्ट करेंगे यूजर को। इसके अलावा जितनी भी हेडिंग्स आप दोगे हेडिंग्स को आपने हाईलाइटेड रखना है और अपने सारे कीवर्ड्स आपने अपनी हेडिंग्स के अंदर ऐड करने हैं, क्योंकि वही आई कैची लगेंगे यूजर को, तो तभी यूजर क्लिक करके आपकी साइट के ऊपर आएगा और आपका आर्टिकल रीड करेगा। तो यह सब था आज की वीडियो के अंदर हम किस तरह से एक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखेंगे। हमने देखा किस तरह कीवर्ड रिसर्च हमने की, अपने कीवर्ड्स को हमने कौन कौन सी जगह पर प्लेस किया, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले ही पैराग्राफ के अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स डाल दिए तो वो कीवर्ड्स स्टफिंग हो जाएगी और वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगेगा आपका आर्टिकल। तो आपने कोशिश करनी है पहले पैराग्राफ के अंदर दो या तीन लाइन के अंदर आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर दो, वो भी एक या दो। कीवर्ड स्टफिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि पहले ही पैराग्राफ के अंदर सारे कीवर्ड्स डाल दो। अपने आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर ऐड करना है, की पॉइंट्स अगर है तो आपने वो भी ऐड करने हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम थीम कैसे ऐड करेंगे अपने ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।